गुड इवनिंग क्लास। तो आज हमारा सोशियोलॉजी लेक्चर 34, मैक्स वेबर पावर एंड अथॉरिटी। जो मैक्स वेबर की पावर एंड अथॉरिटी पे जो वर्क किया था उसको हम देखेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का। तो ये चीज हम देखेंगे। तो दिस सेशन इज टेकन बाय मी हर्ष बंसल, ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस। सो हमने ऑलरेडी सोशल एक्शन देख चुके हैं, आइडल टाइप देख चुके हैं, आज हम देखेंगे पावर एंड अथॉरिटी। तो मैक्स वेबर का जो पावर एंड अथॉरिटी पे क्या था, जो पावर होती है, पावर का सोशियोलॉजिस्ट कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इट इज ए एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप टू फुलफिल इट्स डिजायर्स एंड इंप्लीमेंट इट्स डिसीजन एंड आइडियाज। तो मींस किसी अपने ग्रुप की या इंडिविजुअल की, या प्लीज द डेफिनेशन याद कर लीजिए, वही है आपको नो डाउट अंडरस्टैंडिंग आपकी जरूरी है, बट कुछ चीजों को जैसे ऐसे आंसर को आपने ओपन करना है। तो कई बार अगर आपको आंसर आ गया पावर पे, तो आंसर को ओपन करने के लिए एग्जैक्ट डेफिनेशन से अगर आप करोगे ना, तो उसके भी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग ही अच्छा रैंक लाने का एक क्या है, एक बहुत बड़ी टूल है एक अच्छा रैंक लाके। और डेफिनेशन अगर अच्छी होगी, अगर आंसर की इंट्रोडक्शन अच्छी है, तो आपको अच्छे मार्क्स आने के ज्यादा चांस हो जाए। तो इसीलिए आप याद कर लीजिए एग्जैक्ट डेफिनेशन। ये पावर की डेफिनेशन वैसे क्या है सोशियोलॉजिस्ट, और मैक्स वेबर ने क्या दिया डेफिनेशन, क्योंकि ठीक है अंडरस्टैंडिंग, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ, अंडरस्टैंडिंग प्लस इंटरलिंकिंग विद करंट अफेयर्स प्लस कुछ आपको चीजें रट्टा मारनी पड़ती हैं, ये भी एक सच्चाई है। कुछ डेफिनेशंस की आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, कुछ चीजों को रटना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर मैंने आपको अथॉरिटी पूछा है, तो आपको अथॉरिटी की तीनों तरफ पता होना चाहिए, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, प्रिस्मैटिक अथॉरिटी, लीगल रैशनल अथॉरिटी। तो मींस कुछ चीजें आपको रट्टा भी मारनी पड़ती है, इसमें सभी चीजें मिक्स चलती हैं सोशियोलॉजी जब हम ऑप्शनल करते हैं। तो इट इन्वॉल्व द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर इवन अगेंस्ट देयर विल। विल भी नहीं होगी तो भी अगर पावर है तो वो उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम आपने देखा होगा हमारे जो ट्राइबल्स है, तो उनकी विल नहीं होती, वो नहीं चाहते भी उनको वो छोड़ के जाएं, वो चीजों को मतलब अपने जो गांव है जहां अपना जंगल है वो छोड़ के जाएं। अभी जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो उसमें आप दिखा सकते हो भी, एक जो स्टेट है, स्टेट मतलब एस बड़े वाली, तो एक वो पावर दिखा रही है अगेंस्ट द विल ऑफ ट्राइबल्स, क्योंकि अगर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स होगा तो काफी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, ट्राइबल्स की डिस्प्लेसमेंट होगी, तो आप ये चीज दिखा सकते हो। मैंने वही कहा है भी जितना अगर सोशियोलॉजी में अगर आपको नंबर लेकर आने हैं तो जितना ज्यादा क्रिटिसाइज करोगे, बट ऐसा नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, अपने कंधे पे बंदूक मत रखो। जो जो क्रिटिकल स्कूल है, जैसे मार्क्सियन स्कूल हुआ, सबल्टर्न स्कूल हुआ, फेमिनिस्ट स्कूल हुआ, क्रिटिकल थ्योरी हुई, इनके कंधे पे बंदूक रखो और क्रिटिसाइज करो। तो मतलब आपने क्रिटिसाइज भी कर दिया और आप अपने पे ब्लेम भी नहीं। तो इस तरह आप एक अच्छे आंसर लिख सकते हो। अभी कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर मॉडल आंसर, मॉडल आंसर अगर मैं दे दूंगा आपको तो सभी सेम आंसर लिखेंगे, सभी बोल लिखेंगे, तो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके एनालिटिकल स्किल्स कहां पे? मुझे मॉडल आंसर देने में कोई इशू नहीं है, मुझे तो बताना ही है, लेकिन मैं चाहता हूं भी आप पढ़ के आप अपने माइंड को अप्लाई करो। अब मैक्स वेबर क्या कहता था, मैक्स वेबर कहता था द पावर इज इन एस्पेक्ट ऑफ सोशल रिलेशनशिप, इट रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ
imposing one's will upon the behavior of other person. Means अपनी will other person पे impose कर रहा है. तो हमने जब देखा था भी, हमने एक मैंने स्टार्टिंग में आपको अगर मैं देखा होगा आपने लेक्चर द वो इंटरेक्शन बिटवीन द सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज. तो हमने एक देखा था सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस में क्या रिलेशन है. तो मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल साइंस भी स्टडी क्या करता है, पावर को स्टडी करता है, और सोशियोलॉजी भी पावर को स्टडी करता है. लेकिन सोशियोलॉजी जो ये देखेगा पॉलिटिकल साइंस, ये पावर किसकी देखता है, स्टेट की, गवर्नमेंट की. लेकिन जहां पे पावर इन द एवरी स्फीयर ऑफ सोसाइटी, लाइक अभी कोविड 19 में सबसे ज्यादा पावर किसकी है, कोविड 19 में डॉक्टर्स की. जैसा डॉक्टर्स ने कह दिया वैसे ही ज्यादा लोगों को वो बात माननी पड़ेगी. तो डॉक्टर्स की अभी ज्यादा पावर है, डॉक्टर्स जो कहते हैं सभी लोग वैसे ही मानते हैं. और आज के टाइम पे तो बाबा रामदेव की भी पावर बढ़ गई थी जब उन्होंने वो कोरोनिल दवाई लेकर आए थे. तो बाबा रामदेव ने कहा भी आप ये करो, और लोग उस चीज के लिए मतलब ऐसे हो गए थे, हाँ जी बाबा रामदेव ने दवाई. तो क्योंकि पावर क्या है, अपनी बिल इंपोज करना, मतलब किसी के बिहेवियर को वो करना, उसकी अपनी बिल किसी के बिहेवियर को चेंज करने की. तो जैसे आपने कह दिया भी वैसी आपकी बात माने. तो पावर एंड अथॉरिटी जो भी है, मतलब भी इसमें डिफरेंस क्या है दोनों चीजों में, भी आप किसी की जो किसी को इन्फ्लुएंस कैसे कर पा रहे हो. जैसे एक क्लास में किसकी पावर है, टीचर की, वो स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये पावर. तो ये एक एग्जांपल दी हुई है भी कैसे बैगर की भी, अगर बैगर है कोई, अगर आप उसको दान दे रहे हो तो वो भी एक तरह की अपनी सुपीरियर इकोनॉमिक पावर दिखा रहे हो. अथॉरिटी, अथॉरिटी क्या है, द जर्मन वर्ड हर्शफ्ट यूज बाय बेबर हैज बीन वेरियसली ट्रांसलेटेड सम सोशियोलॉजी टर्म इट एज अथॉरिटी अदर एज डोमिनेशन और कमांड. हर शेफ्ट इज एन एक्शन सिचुएशन इन विच हर मीन मास्टर डोमिनेट और कमांड अदर्स. तो मीन अथॉरिटी क्या है, जिसमें एक कमांड देता है बाकी लोग उसको मान रहे हैं. तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस क्या है, पावर एज यू विल सी रेफर टू एबिलिटी और कैपेसिटी टू कंट्रोल अनदर. बट अथॉरिटी क्या है, जो लेजिटिमाइज फॉर्म है पावर की वो क्या है, अथॉरिटी है. तो लेजिटिमाइज पावर जो लेजिटिमेट की गई है, अगर डिक्टेटरशिप है तो उसको हम अथॉरिटी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो लेजिटिमाइज नहीं है, वो लोग नहीं मान रहे, बस लोग डर के मारे जी रहे. तो अभी जो फॉर ए सिस्टम ऑफ अथॉरिटी टू एग्जिस्ट द फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट. कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए, एन इंडिविजुअल रूलर मास्टर और ग्रुप ऑफ रूलर्स मास्टर्स भी एक होना चाहिए अथॉरिटी में. क्योंकि क्या होगा, एक एक जो डोमिनेट करेगा, एक जो सबॉर्डिनेट्स होंगे. तो जो एक तो जो डोमिनेट जो कर सकता है, जो कंट्रोल करेगा, जो पावर को, जो मास्टर है वो होना चाहिए. एक जो जिन पे कंट्रोल करना है वो होना चाहिए. द बिल ऑफ रूलर टू इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ रूल विच मे बी एक्सप्रेस थ्रू कमांड्स. तो कमांड्स होने चाहिए जिनको कमांड दे के इन्फ्लुएंस कर सके. एविडेंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द रूलर्स इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस और ऑबिडेंस शोन बाय द रूल. भी ऐसा ना हो कमांड दे दी लेकिन कोई बात ही नहीं सुन रहा, तो वो भी होना चाहिए, सभी लोग बात सुने. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस विच शो दैट रूल्ड हैव इंटरनलाइज्ड एंड एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट द रूलर्स कमांड मस्ट बी ऑबेड. तो ये भी पता होना चाहिए भी, मतलब हमें लगे भी जो लोग हैं उनको ये चीज एविडेंस होना चाहिए, लोगों ने जो एक्सेप्ट कर लिया, ये हमें पावर दे, ये कमांड हमें दे सकता. तो अथॉरिटी के जो एलिमेंट अगर जो प्रेजेंट होंगे किसी में, तो हम कहेंगे भी वो लेजिटिमाइज पावर है, वो अथॉरिटी है. तो अथॉरिटी इंप्लाइज अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन रूलर्स एंड रूल्ड. तो रूल्ड रूलर्स क्या मानते हैं, भी उनके पास लेजिटिमेट राइट है अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने का. और रूल्ड क्या करते हैं, जो लोगों के ऊपर रूल है वो सोचते हैं भी हाँ जी ये हम पे लेजिटिमेसी कर सकते हैं, क्योंकि इनको राइट है. तो मैंने आपको बताया था तीन तरह के एक्शन है. अगर ट्रेडिशनल एक्शन है तो कौन सी अथॉरिटी रेज हो रही है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी. अगर अफेक्टिव एक्शन है तो कौन सी हो रही है, करिश्मेटिक अथॉरिटी. अगर रैशनल एक्शन है तो रैशनल लीगल अथॉरिटी.
तो आप देखिए ये एक्शन की जो आइडियल टाइप थी उसी के बेसिस पे हम अथॉरिटी को कर रहे हैं। अभी ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या है? ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो आपको मैंने बताया, ट्रेडिशनल एक्शन, जो भी कुछ ट्रेडिशन है उनके बेसिस पे जो अथॉरिटी बन रही है। जैसे कि अगर कास्ट सिस्टम था इंडिया में, तो एक ट्रेडिशन थी, तो क्षत्रिय यहां पे क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे, ब्राह्मण्स रूल कर रहे थे ट्रेडिशन के बेसिस पे। हमारे जहां पे देखा होगा आपने जेरंटोक्रेसी थी, जेरंटोक्रेसी जहां पे ओल्ड एज पीपल की एक तरह की अथॉरिटी होती थी इन द हाउस, जेरंटोक्रेसी। जहां आपने मोनार्की देखा होगा, अगर आपने मोनार्की देखा होगा तो मोनार्की को क्या कहते हैं? गॉड का जो अर्थ पे रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है? किंग है, मोनार्की। तो अगर अभी आपको क्वेश्चन आता है, सपोज करो ओल्ड एज पीपल, ये ओल्ड एज पीपल पे अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना, भी ओल्ड एज पीपल का सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बताओ, तो भी आप बोल लिखोगे। लेकिन एक चीज आपने ये भी देखनी है, भी जो आगे उनकी ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती थी वो आज के टाइम पे अंडरमाइन हो रही है। पेपर टू में क्वेश्चन आ जाता है ओल्ड एज पे, या फैमिली स्ट्रक्चर पे क्या इन्फ्लुएंस है, द सोशल चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन भी आ जाता है भी इंडियन फैमिली सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो वो लिखोगे आप सब भी, हाँ जी ज्वाइंट फैमिली होती थी, न्यूक्लियर फैमिली हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन एक पर्सपेक्टिव ये भी लिखोगे भी जहां पे जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी थी जेरंटोक्रेसी, वो आज के टाइम पे नहीं। अगर नहीं है तभी तो आज के टाइम पे राइज ऑफ ओल्ड एज होम है ना। तो इस तरह आपको जो पर्सपेक्टिव है पेपर वन के, देखिए चीजें वही है, थ्योरी वही है, कंसेप्ट वो पेपर टू के आंसर में कैसे पुट करना है, ये चीज आज इंपॉर्टेंट। जैसे करते हैं अभी चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर, तो जेरेंटोक्रेसी आज के टाइम पे बहुत कम देखने को मिलती है, जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी थी वो अंडरमाइन हो रही है। फिर आती है क्रिस्मेटिक अथॉरिटी। क्रिस्मेटिक अथॉरिटी क्या है? मीन्स जो लोगों को लगता है जो उनका लीडर है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स है, कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं भी जो लोगों को वो करती हैं, इंस्पायर करती हैं, जो लोगों को इंटरेक्ट करती है। कोई उसकी स्पोर करो उनकी ऑरेटरी स्किल्स अच्छी हैं, कोई ऐसे लगता है लोगों को भी ये कुछ मिरेकल्स कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या कहते हैं? क्रिस्मेटिक अथॉरिटी। ये कोई ऑर्गेनाइज नहीं होती, जहां पे लोग क्या करते हैं? ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ब्लाइंडली नहीं, भी लोगों को कुछ एक विश्वास होता है। जैसे कि हमने हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, तो जब ये कहते हैं मित्रों तो सभी लोग इनके लिए मतलब एक बहुत ज्यादा वो है भी, एक तरह की फैन फॉलोइंग, क्योंकि एक करिश्मा, एक ऑरेटरी स्किल्स है। जब ये बोलते हैं अरे हम तो फकीर है जी, झोला लेके चल देंगे, लोग रोते हैं एक्चुअली में। तो ये क्या है? करिश्मा, क्रिस्मेटिक अथॉरिटी। और क्रिस्मेटिक अथॉरिटी जैसे जीएस की थी, बुद्धा, महात्मा बुद्ध, जहां पे एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी की थी। तो क्रिस्मेटिक अथॉरिटी भी इंडिविजुअल लीडरशिप क्वालिटी, इंडिविजुअल क्वालिटीज। नेपोलियन, तो जहां पे क्या है? क्रिस्मेटिक अथॉरिटी। लेकिन अभी क्या होता है, जब स्पो करो वो लीडर नहीं रहा, जैसे अभी जीजस नहीं रहे, तो उनके बाद जो अथॉरिटी होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो जाती है। जैसे क्रिश्चियनिटी एक फिर बाद में क्या हुआ? रिलीजन बन गया, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर देते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ क्रिश्चियनिक लीडरशिप इनटू इंस्टीट्यूशनलाइज लीडरशिप वेयर वन ऑफिस टेक द प्लेस ऑफ पर्सनैलिटी एज द फोकस ऑफ अथॉरिटी। तो जो करिश्मा होता है या तो ये क्या होगा? ट्रेडिशनल अथॉरिटी में ट्रांसफर हो जाएगा, जाके रैशनल लीगल में। तो आपने मतलब ज्यादा फिर एक ट्रेडिशन बन जाएगी भी, अब इनका जैसे जो कोई है भी अब इनका बेटा बनेगा, जहां वो एक रूल्स डिफाइन कर देंगे, उनके रूल पे एक रूलर चेंज हो, वो डिसाइड होगा। रैशनल लीगल अथॉरिटी क्या है? भी जहां पे प्रॉपर रैशनैलिटी, प्रॉपर लॉज हैं, कोडिफाइड लॉज हैं, जहां पे क्वालिफिकेशंस पे जो सब कुछ एक प्रॉपर एक लॉ बुक है, जैसे कि हमारे जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है भी कौन लीडर बनेगा, प्रॉपर एक प्रोसीजर होगा, तो उसको हम बोलते हैं लीगल रैशनल अथॉरिटी।
और लोगों को ये मानना पड़ता है. इट इज लीगल बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग विद द लॉज ऑफ द लैंड एंड विच पीपल रिकॉग्नाइज एंड फील ऑब्लिगेड टू ऑबे. तो ये मॉडर्न सोसाइटी में होता है तो इधर पूछते हैं मीन्स ये क्या है. मतलब तो आप कई बार बोलते हो कास्ट सिस्टम की प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, कास्ट सिस्टम की प्रॉब्लम क्या. जब पंचायती राज जो पीआरआई है तो पीआरआई क्या है 73rd 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू बने हुए हैं. तो जहां पे जी क्या है एक तरह के लीगल रैशनल अथॉरिटी है, लेकिन वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो उस टाइम डोमिनेट कर रहे थे वही बाद में क्या कर रहे हैं पीआरआई को रूल कर रहे हैं. तो मीन दिखने को तो वो क्या है लीगल रैशनल अथॉरिटी है, लेकिन एक्चुअल में क्या है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, क्योंकि जो पहले रूल कर रहे थे वही रूल करते हैं. अगर कोई आता है वो करो, अब लोअर स्ट्रेटा से कोई आता है तो काफी केसेस ऐसे देखे हैं भी अगर कोई दलित सरपंच बनता है गांव में तो उसको जला देते हैं, जिंदा जला देते हैं या मारते पीटते हैं. एक तमिलनाडु में भी एक ऐसा केस हुआ. तो इस तरह आप पेपर वन के कंसेप्ट पेपर टू में यूज कर सकते हो. अभी रैशनैलिटी वर्सेस रैशनलाइजेशन क्या है, ये रैशनैलिटी क्या है दोज आइडियाज विच आर लॉजिकली कोहेरेंट एंड कंसिस्टेंट विद द अमेनेबल टू एम्पिरिकल नॉलेज. तो रैशनैलिटी क्या होती है भी कुछ कंसिस्टेंट लॉजिकल चीजें होनी चाहिए, भी ऐसा नहीं हवा में बात कर रहे हो, कुछ रैशनल होना चाहिए. अगर मैं कह रहा हूँ जैसे पहले क्या था कुछ भी लोग इरेशनल बातें करते थे, तो इरेशनल बातें कैसे, जैसे मतलब अगर आप समुंदर क्रॉस कर रहे हो तो आपकी कास्ट चली जाएगी. कोई रैशनल हो भी ऐसे कास्ट कैसे चली जाएगी. तो रैशनैलिटी मीन्स कुछ भी ऐसे मतलब सुपरस्टिशन ना हो, कोई उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड. तो उस रैशनैलिटी को जब हम अप्लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं रैशनलाइजेशन. तो ये रैशनैलिटी एंड रैशनलाइजेशन क्या चीजें. तो रैशनलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जैक रैशनल एक्शन, एक्शन इन रिलेशन टू गोल्स. तो हमारे जहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी में हम रैशनलिटी देखेंगे इकोनॉमिक पोलिटिकल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन. और इसी के साथ कुछ टॉपिक्स होते हैं वो मैं अभी लेक्चर उनके नहीं लूंगा. जैसे एक थ्योरी थी जब रैशनैलिटी सोसाइटी में बहुत ज्यादा हो जाती है तो जॉर्ज लिटरेचर ने उसको क्या बोला मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी. मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी एक मैंने आपको बताया था भी जो माइक्रो मैक्रो परस्पेक्टिव है वो किसकी बात करता है स्ट्रक्चर की बात करता है, बड़ी स्ट्रक्चर. एक जो माइक्रो थ्योरी है वो एक्शन की बात करती है, सोशल एक्शन की बात करती है. लेकिन हर एक के दोनों के क्या होते हैं फ्लॉज होते हैं. तो इसीलिए एंथनी गिडेंस ने एक थ्योरी दी थी स्ट्रक्चरेशन एंथनी गिडेंस की. तो एक बार आप ये दोनों कंसेप्ट आप पढ़ लीजिएगा मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी बाय जॉर्ज लिटरेचर एंड स्ट्रक्चरेशन. तो इससे आप ये कंसेप्ट कर लीजिएगा. अगर मेरे पास टाइम हुआ तो डेफिनेटली मैं एंड में जब ये पेपर वन और पेपर टू का सिलेबस खत्म हो गया अगर ऐसे छोटे छोटे जो कंसेप्ट के टॉपिक्स होंगे तो मैं वीडियो बना लूंगा. लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी क्या है भी जितना हमारा सिलेबस में कंटेंट है जितने हमारे सिलेबस में टॉपिक्स हैं वो हम कंप्लीट करें. क्योंकि ये चीजें ठीक है मतलब मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी जैसे कीवर्ड या स्ट्रक्चरेशन ये आप यूज कर सकते हो, लेकिन अभी हमें पहले क्या है ये क्योंकि एक्स्ट्रा हो जाएगा. अभी क्या है जो इतना सिलेबस है पहले हम उतना कंप्लीट करें. तो मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में जो आइडल टाइप वाले लेक्चर थे उसमें आपको क्वेश्चन दे रखे हैं. आप आंसर लिखिए ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं आप edugurukul93@gmail.com पे. बाकी फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो और हमें मेल कीजिए डाउट्स अपने ताकि हम एक डाउट सीरीज जो हमारी लेक्चर सीरीज चलती है उसमें भी हम आपके डाउट्स आंसर कर सकें. तो थैंक यू क्लास. हम फिर अभी जो नेक्स्ट है वो ब्यूरोक्रेसी देखेंगे जब ये लीगल रैशनल अथॉरिटी जो होती है वो कैसे ब्यूरोक्रेसी में चेंज होती है. थैंक यू क्लास.